हेलो गाइस, वेलकम टू ऑफिशियल अनअकैडमी टीचिंग ज्ञान चैनल। नमस्कार, आप सभी का अनअकैडमी टीचिंग ज्ञान चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है संदीप दीक्षित और मैं आप सभी का मैथ्स एजुकेटर हूँ। और आज का जो क्लास है गाइस, उस क्लास पे हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में सीखेंगे गाइस। तो जल्दी से गाइस एक बार सेशन को लाइक करेगा और शेयर करेगा अगर आपने अभी तक लाइक और शेयर ना किया हो तो। चलिए गाइस, आ जाते हैं आज के सेशन पर। जब तक आप सभी लोग जुड़ रहे हैं तब तक आपको एक अहम जानकारी दे दी जाए, और इम्पॉर्टेंट जानकारी ये है कि आप सब मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पर, और फॉलो करने के पश्चात आप मुझे वहाँ से सर्च मेरी जो क्लासेस है फ्री क्लासेस उन पर भी आप सभी लोग जुड़ सकते हैं गैस। तो चलिए गैस, फटाफट क्विक फास्ट सेशन को लाइक करेगा और शेयर करेगा अगर आपने अभी तक लाइक और शेयर ना किया हो तो। और अनअकैडमी पर आपके लिए प्लस के क्लासेस भी चलती है और फ्री क्लासेस भी चलती है। फ्री क्लासेस में भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। फ्री क्लासेस जो होती है अनअकैडमी पर, इंडिया के टॉप एजुकेटर क्लासेस, आप सभी को फ्री क्लासेस के फॉर्म पर मिलती हैं। तो इन फ्री क्लासेस में आप सभी लोग जुड़ सकते हैं, और ये फ्री क्लासेस जो होती है स्पेशल क्लास के फॉर्म पर जानी जाती है। और अगर आपने अभी तक कोई भी अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया गैस, तो प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं गैस। और लेते समय गैस मेरे कोड को यूज करेंगे, मेरा कोड है गैस सैंडी10, इसे यूज करिए और एज पर कंपनी नर्म्स आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा गैस। तो चलिए गैस, बढ़ते हैं सेशन पर और लेट स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अन अकेडमी। अगर आप स्टेट टेट्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे कोर्सेज भी चलते हैं और इंडिया के टॉप एजुकेटर की भी क्लासेस कोर्सेज के फॉर्म पर चलती है। अगर आप DSSB या UPTCT की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की, सुपर टेट की, तो इसके लिए भी आप मेरे इन कोर्सेज पर इनरोल हो सकते हैं। और इनरोल होने के लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होता है, और प्लस सब्सक्रिप्शन लेते समय गैस मेरे कोड को यूज करेंगे, और मेरा कोड है गैस सैंडी10। तो ये मेरा कोड है गैस, इस पर इसे यूज करेंगे और एज पर कंपनी नर्म्स आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा गैस। तो चलिए गैस, आ जाइए सभी लोग फटाफट क्विक फास्ट, बस सेशन स्टार्ट हो चुका है। जब तक आप लोग आए जल्दी से क्विक फास्ट। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जल्दी से गैस एक बार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए गैस बढ़ते हैं, ये कुछ बैचेस हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशंस। डिफरेंशिएशन हम लोगों ने काफी हद तक पढ़ लिया है, तो इंटीग्रेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन के लिए बेसिक से कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करें तो कुछ कॉन्सेप्ट आपको डिफरेंशिएशन जो होता है उसका जस्ट इनवर्स एक तरीके से बात करें तो इंटीग्रेशन होता है। डिफरेंशिएट करके जो आ जाता है वही एक तरीके से क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। दैट मीन्स इंटीग्रेशन को अगर प्राप्त करना है तो दिए गए फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा उसका जब डिफरेंशिएट करके आंसर आता है वही एक तरह से क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो गुड मॉर्निंग विवेक जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, सभी का स्वागत है गैस। तो चलिए गैस स्टार्ट करते हैं और एक क्वेश्चन के थ्रू स्टार्ट करेंगे। तो विवेक जी, हम लोग काफी हद तक बढ़ चुके, अब तो भाई एग्जाम प्रीवियस ईयर पे अब टॉप 20 क्वेश्चन टाइप में चलेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इंटीग्रेशन करना है sec x cos x dx, बराबर लिखा हुआ है, इसका वैल्यू लिखा हुआ log gx plus c। तो gx का मान क्या होने वाला है, tan x होने वाला है, या फिर sec square x होने वाला है, या sin x cos x होने वाला है, जो भी हो वो आप लोग को बताना है गैस। तो चलिए गैस इसे कैसे करेंगे, आप सभी लोग, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते गैस इसे कौन करेगा, कौन जल्दी से किल करता है, यानी इसे फोड़ेगा फटाफट जल्दी से। विवेक महतो जी सर बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताएं। अगर हम लोग देखो कॉन्सेप्ट बच्चे, क्योंकि अब टाइम नहीं, हम अगर बात करें फॉर्मूले की बात करेंगे, फॉर्मूले आपको पता है, तो अब बेसिक कॉन्सेप्ट अब जब बताएंगे तो फिर वो टाइम लगेगा, फॉर्मूला जरूरत के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर करते रहेंगे, ठीक है। चलो बच्चे फॉर्मूले बेसिक से ही करेंगे। देखो क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x और cos x। तो अगर हम लोग इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं sec x cos x, तो थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रूप से यूज किया जाए तो हम लोग देखो sec x को लिख सकते हैं 1 by cos x, ध्यान से सुनना, और cos x को लिख सकते हैं क्या, sin x लिख सकते हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से डिवाइड कर दे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास बच्चे, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास बन गया बच्चे क्या, हमारे पास ये बन गया 2 अपॉन क्या बन गया, sin 2x बन गया, क्या बन गया, 2 अपॉन क्या बन गया, sin 2x बन गया, ठीक है। अगर 2 बाहर रखा जाए, 2 बाहर रखा जाए, तो इससे हम लोग देखो कुछ बना भाई क्या, फॉर्मूला वगैरह बना, नहीं बना, 2 sin 2x बना, और 2 sin 2x के हिसाब से अगर देखोगे, अब इसका अगर हम लोग dx कर दे, ठीक है भाई, इसका डिफरेंशिएशन कर दे, तो ये आपका बच्चे क्या बन जाता है, ये एक प्रकार से 2 कॉमन रखा जाए तो ये बन जाता है log
आपके पास क्या आ जाता है, साइन 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉग साइन 2x। और साइन 2x का अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन भी करना पड़ता है तो साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन किया जाए, ठीक है बच्चे, तो साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन भी करना पड़ेगा तब जाकर ये क्वेश्चन बनेगा भाई। लेकिन यहाँ पर साइन 2x का डिफ्रेंसिएशन करके ही आंसर्स निकालना होगा। और कोई तरीका यूज कर सकते हैं, है ना भाई, बहुत तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर्स निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो हम लोग यही ज्यादा सही रहेगा कि इसको यूज करें फटाफट, बेसिक कंसेप्ट भी बताया जाए। तो देखो बच्चे, बेसिक कंसेप्ट तो पहले, अब थोड़ा सा पहले बेसिक कंसेप्ट बताए फिर बनेगा, क्योंकि आप लोग का, कई लोग का मानना है कि बेसिक कंसेप्ट भी पता होने चाहिए। तो बेसिक कंसेप्ट अगर हम लोग बात करें तो जो इंटीग्रेशन के होते हैं, चलो भाई बेसिक देखो, अगर हम लोग इस तरह की बात करेंगे तो बेसिक के लिए पहले में फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। फॉर्मूले बताया जाए क्या भाई, विवेक जी फॉर्मूले पता है आपको कि फॉर्मूले बताने होंगे, जल्दी से बता दो भाई। सभी को फॉर्मूले पता हो तो फिर मुझे बताने की आवश्यकता ना पड़े, मुझे लगता है कि डायरेक्टली कराया ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना समय नहीं होगा कि आप लोग को फॉर्मूला वगैरह सब रट्टा कराया जाए। तो फॉर्मूले आप लोग अपने अपने नोट कर लीजिएगा, वरना एक क्लास हम फॉर्मूले के ले लेंगे, आज अभी हम लोग क्वेश्चन पर करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई, ठीक है। तो चलो गाइस इसे देखिए क्या लिखा हुआ था, अगला क्वेश्चन ही देखते पहले से क्या लिखा हुआ है। sec x cos x लिखा हुआ है dx। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल बेसिस का, तो कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का कुछ ना कुछ कंसेप्ट लगाना होगा और फिर आपका आंसर्स बनेगा भाई। तो चलो बच्चे इसे ट्राई करते हैं भाई, क्या होगा इसे सोचिए, उम्मीद है कि आप सभी लोग जरूर करोगे, ठीक है। तो चलो गाइस इसे ट्राई करें सभी लोग, ये रहा इसका टाइमर और फिर देखते हैं भाई, गर्मी लगने लगी भाई। sec x और cos x, काफी लोग का आंसर आया नहीं अभी तक भाई किसी का, विवेक बताओ भाई क्या आएगा, सौरभ चलो भाई देखिए, अगर इस पे हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल यूज करें, इसको अगर ऐसे लिख दिया जाए sec 2x, ऐसे लिख दिया जाए, sec को नीचे आएगा, तो अगर कर दिया जाए तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, cos बन जाता है 1 by cos x। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से देखना, ये बन गया हमारे पास cos x और ये बन गया sin x। और अगर हम लोग क्या करें, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपके पास बन जाता है 2 अपॉन कितना sin, यहां से बच्चे क्या बन जाएगा, ये साइन 2x बन जाएगा। और साइन 2x का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं 2 cos x 2x, क्या बोल सकते हैं 2 cos x 2x, ठीक है भाई, इसका डिफरेंशिएशन। और cos x का डिफरेंशिएशन आपको पता ही होगा भाई, ये फॉर्मूला होती है, आइडेंटिटी होती है, डायरेक्टली आप बोल सकते हो भाई इसकी आइडेंटिटी क्या होती है भाई। तो इसको बोले तो हम लोग बोल सकते हैं 2 log, और आगे बच्चे क्या हो जाता है log, और ये हो जाएगा cot 2x, ठीक है, cot 2x माइनस क्या हो जाता है cos 2x, ये होता है इसका फॉर्मूला। और ये 2x का दोबारा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी ये 2x का डिफरेंशिएशन यानी 1 by 2, 2 से 2 ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या आया, सिर्फ इतना आया। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया जाए, cot 2x माइनस cos 2x को थोड़ा सा अगर फॉर्मूला वगैरह लगा दिया जाए तो थोड़ा सा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रूप से ये बन जाएगा भाई, ठीक है। तो देखो ऐसा जो हमारे लॉग के टर्म्स में सिर्फ एक आंसर बन रहा है और वो होगा क्या, लॉग 10x, दैट्स वे ऑप्शन नंबर डी। सभी को क्लियर हो गया, एनीबॉडी एनी डाउट्स, जल्दी से गैस बताइए, अगर किसी कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ भाई। विवेक कुमार जी, सौरभ, सभी को क्लियर हुआ कि कैसे क्या निकला भाई,
समझ में आया या नहीं भाई? या अगर भी कुछ गड़बड़ लग रहा हो तो एक मिनट, ये देखना होगा, log 2 cos x हो गया, सॉरी सॉरी गैस, यहां पर एक प्रॉब्लम हो रही है, ये इस जगह पर ये बनेगा, यहां पर ये log के टर्म्स में देखो तो ये होता है log cos x 2x माइनस cot 2x होता है, और ये 1 by 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, log 10x प्लस सी, दैट्स आंसर आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते गैस, और अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है, इसे ट्राई करिए सभी लोग, इसे ट्राई किया जाए, देखते भाई कौन आंसर देगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट के अंदर x प्लस एक्स अपॉन टू पावर माइनस वन, और इसका dx करना है, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए करना क्या चाहिए भाई, किस तरीके से हमें अप्रोच लगानी चाहिए ये सोचो बच्चे। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिख रहा होगा, और इसे टाइमर देखो भाई, तो टाइमर दिया जाए फिर आप लोग ट्राई करो भाई, सेशन को लाइक करेगा शेयर करेगा। अभी तक भाई आज संख्या नहीं दिख रही है, एकदम कहां गए सब लोग भाई, एकदम शेयर और लाइक नहीं किया भाई अभी तक किसी ने। चलो गैस देखते हैं भाई, चलिए गैस देखते हैं क्या होगा। चलिए समय समाप्त हुआ, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सोचे तो ये लिखा क्या है हमारे पास, ये एक प्रकार से लिखा क्या है, अगर देखो तो क्या लिखा है, रूट एक्स और प्लस का एक्स लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, रूट एक्स प्लस वन बाई, ये लिखा हुआ है, और इसका ये डिफरेंस, ये डीएक्स है, ये क्या है, इसका डिफरेंसिएशन मतलब इंटीग्रेशन है और कुछ नहीं भाई। प्रत्युष जी गुड मॉर्निंग भाई, प्रत्युष वर्मा जी गुड मॉर्निंग, प्रत्युष कुमार, प्रियांश कुमार गुड मॉर्निंग भाई, चलो मैं लगा प्रत्युष जी हैं। तो बच्चे इसका अब आप इसको इंटीग्रेशन कर सकते हो, है ना, इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकते। अब चाहे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर रूट एक्स कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस रूट एक्स, ये हो जाएगा डीएक्स। अब इसको अगर पार्शियली डिफरेंस, पार्शियली इंटीग्रेशन करते हैं पार्शियल फॉर्म पर, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग बच्चे कितना, इसे लिख सकते हैं रूट एक्स माइनस का वन बाई कितना, वन प्लस रूट एक्स, और इसका फिर से आप डीएक्स हो गया भाई। तो अगर इसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको पता है यहां वाले से आपके पास ये लॉग का आ जाएगा भाई, ठीक है भाई। तो अगर हम लोग क्या कर दे, रूट एक्स को अगर टी मान लिया जाए या वन प्लस रूट एक्स को, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं। अब चाहो तो यहीं पर रोक दो, अब इसको डिफ्रेंसिएशन करके देख लो, ठीक है भाई, इसको डिफ्रेंसिएट करके देख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर हम बी ऑप्शन को डिफ्रेंसिएट कर देते हैं, ठीक है भाई, बी ऑप्शन को डिफ्रेंसिएट करते हैं और फिर देखते हैं क्या आंसर आ जाएगा। आपने बोला था कि मिक्स क्वेश्चन कराएंगे आप सर, आप सर टॉपिक से ही करवा दो, मिक्स मत कराओ, ठीक है बच्चे कोई बात नहीं। चलो अभी देखो बच्चे क्या लिखा है, वन बाई रूट एक्स लिखा हुआ है और फिर क्या लिखा हुआ है, वन प्लस कितना हो गया, ये रहा। अब इसका डिफरेंस, इसका हम लोग अगर चाहो तो हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर दे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अगर इसको कर दिया जाए, ध्यान से देखना, तो यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा कि ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर किया जाए तो बी ऑप्शन को मतलब हेट एंड ट्रायल राइट हैंड साइड से कर दिया जाए, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, लॉग वन प्लस एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, वन अपॉन क्या हो जाएगा, वन प्लस रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग दोबारा करेंगे, क्योंकि इसको चेन रूल के अकॉर्डिंग करेंगे तो टू ऊपर तो रहेगा लेकिन, और साथ ही साथ क्या होगा, वन का तो जीरो हो जाएगा, और इसका वन का करें तो जीरो, रूट एक्स का करेंगे तो वन अपॉन टू रूट एक्स आ जाएगा। तो देखो बच्चे ये टू टू कट गया, तो देखो यहीं पर तो सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट। बोलो क्लियर हुआ सभी को, हम डायरेक्टली पार्शियल डिफरेंशिएशन करें या हाफ से थोड़ा सा दिमाग लगा लें और आइडिया लगाएं तो आपको डिफरेंशिएशन से बेस्ट तरीके से हो गया भाई। सभी को क्लियर हुआ, प्रियांश जी क्लियर हो गया, हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन भी कर सकते थे लेकिन हमने कहा थोड़ा सा समय बचाना है तो हम इसे
यहां से ना करके हम डायरेक्टली इसको डिफ्रेंसिएशन करके देखें क्या ये आंसर इस प्रकार से, देखो अगर देखोगे तो ये बन रहा है हमारे पास क्या रूट एक्स और ये वन प्लस क्या बन जाए एक्स, तो इसका ये डी एक्स है, तो हम अगर इसको डिफ्रेंसिएशन कर दें वही आंसर दिख जाए तो अपना काम हो जाएगा। क्यों हम इंटीग्रेशन करने में लगे, क्यों इंटीग्रेशन करने में हमें थोड़ा समय लग जाएगा लेकिन डिफ्रेंसिएशन करने पे क्विक फास्ट आ जाएगा। आप कहोगे सर ये ए ही क्यों चूज किया, बी भी चूज कर, बी ही चूज क्यों किया, आप किसी को भी चूज करो और आइडिया लगाओ कि भाई वन प्लस क्या आना चाहिए, रूट एक्स कहां पर आ रहा है, वो सिर्फ इसी पर दिख रहा है और बाकी में कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए हमने और किसी को चूज नहीं किया। आया सबको समझ में बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या लिखा हुआ, इसे ट्राई किया जाए जल्दी से गैस क्विक फास्ट अगले क्वेश्चन पे। आप लोग सब लोग थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ, ज्यादा मत लगाना। अगला देखिए गैस, e टू पावर x और ये लिखा हुआ है, फिर ये वन, ये नीचे ही है बच्चे e टू पावर x और फिर ये लिखा नीचे लिखा हुआ है। अब इसको ट्राई करो और सॉल्व करके देखो भाई क्या आएगा। प्रियांश ट्राई करो भाई, e टू पावर x और ब्रैकेट में लिखा है वन प्लस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर और ब्रैकेट में लिखा है x e टू पावर x। चलो बच्चे इसे क्या करते हैं भाई, तो ये एक प्रकार का इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन को हम लोग थोड़ा सा सोचे और विचार करें क्या इसको और किसी तरीके से आंसर को निकाला जा सकता है क्या। तो अगर हम लोग यहां से इधर से देखो जरा, अगर x e टू पावर x को t एज्यूम कर लो, देखो भाई t एज्यूम कर देंगे तो हमारा क्या होगा, पहले t एज्यूम करें जरा इसको ऊपर देखो, अगर डिफरेंशिएशन पहले करना पड़ेगा नहीं, x e टू पावर x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा e टू पावर x, ठीक है dx, ठीक है भाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा कितना भाई dt, dt इज इक्वल टू dx आ गया बच्चे, इतना तो हमारे पास ये हो जाएगा। तो अब ये वाला पार्ट तो आपको पता चल गया कि हमारे पास ये जब अंदर गुणा करोगे तो क्या आएगा e टू पावर x प्लस e टू पावर x और यहां से हो जा रहा है ये x dx, तो ये पूरा तो आपके पास क्या बन गया हमारे पास, ये एक तरीके से जो dx है ये बराबर किसके आ गया dt के आ गया, तो दैट मीन्स dt अपॉन क्या हो गया साइन स्क्वायर t आ गया, साइन स्क्वायर t हो गया, दैट मीन्स ये ऊपर जाएगा तो ऊपर से बच्चे हमारे पास बन जाएगा क्या cos स्क्वायर सॉरी cosec स्क्वायर t, cosec स्क्वायर t dt। अब इसका तो इंटीग्रेशन आप सभी को पता ही है, जल्दी से गई आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहे आप लोग, मजा नहीं आ रही भाई। cosec स्क्वायर t और cosec स्क्वायर का मतलब होता है बच्चे कितना हमारे पास, cosec का होता है हमारे पास cot t और cot का मतलब हो जाएगा माइनस साइन के साथ यानी x e टू पावर x प्लस c। तो इसको इस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करके हमने यहां पर बताया भाई, क्या ये सभी को क्लियर हुआ, जल्दी से गैस बताइए क्या ये सभी को क्लियर हो गया। बोलो गैस जितने भी लोगों, प्रियांश ही क्लियर हुआ, प्रियांश क्लियर हो गया, विवेक डन 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 हुआ। अगले क्वेश्चन पर मूव करें गैस, अगर कोई डाउट हो तो बता दो बच्चे, नहीं तो फिर हम अगले क्वेश्चन पर मूव ना करें, अगर आपको क्लियर हो गया हो तो अच्छी बात है। चलो गैस कोई नहीं, जिनको आ गया अच्छी बात है और जिनको नहीं आया वो लोग देखेंगे भाई। चलो गैस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं और अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या रहा भाई, अभी तक भाई किसी का आंसर नहीं दिख रहा है। d थीटा अपॉन क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अब देखो जरा ध्यान से, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिकल यूज करें, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करें तो ये क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। तो ये तो हमारे पास बन गया वन और ये वन है ही है तो वन वन कट जाएगा तो सिर्फ बचा हमारे पास क्या सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा बचा, तो दैट मीन्स ऊपर जाके बन जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कितना आसान हो गया, अब तो सभी लोग आंसर दे सकते हो भाई, जल्दी से बताओ भाई इसका तो आंसर अब सभी लोग दे सकते हो, और वो आंसर क्या होगा भाई
sec थीटा का होता है क्या भाई, tan थीटा, तो आंसर होगा tan थीटा प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर सी वन बिल्कुल सही है। तो जिन लोगों ने वन दिया हो वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं दिया है वो लोग निकालना सीख गए भाई। जल्दी से गैस बताओ, क्या ये मजा नहीं आ रहा क्या भाई, आज आप लोग की तरफ से कुछ इंटरेस्टिंग जवाब नहीं मिल रहे हैं, क्या बात है भाई? सेशन को सब लोगों ने लाइक और शेयर नहीं किया क्या भाई? इतना इजी इजी कॉन्सेप्ट बताते जा रहे हैं आपको, ट्रिक्स पे बेसिस, जहां पर ट्रिक लग रही है वहां पर ट्रिक, यहां पर देखो ट्रिग्नोमेट्री का एक ट्रिक लगा था उसी पर ये क्वेश्चन था भाई। तो उम्मीद करेंगे कि सभी को चीजें क्लियर हो गई होंगी, आसान लगा था क्वेश्चन, टफ नहीं था, बस आपको समझने की आवश्यकता थी भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है उसे देखा जाए भाई। ये रहा भाई, बाप रे इतना बड़ा इंटीग्रेशन देखकर ही डर लग जाए, है ना भाई, साइन एक्स लॉग टेन एक्स। तो वैसे अगर बात करें तो इसमें क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल दिख रहा होगा कि आपको इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल लगा दिया जाए, लेकिन मेरी बात समझेगा कि प्रोडक्ट रूल लगाना है तो लगाने को तो लगा सकते हैं, दूसरा तरीका एक और यूज कर सकते हैं, क्या हम लोग इसको डिफ्रेंसिएशन से चले जाएं, क्या चले जाएं, डिफ्रेंसिएशन से चले जाएं और डिफ्रेंसिएट करके ज्यादा अच्छे से हमारे पास हो जाएगा भाई। अब सोचो जरा ध्यान से, अब मेरी बात सोचना जरा ध्यान से कि उल्टा जाना है, कैसे चले जाओ, उल्टे तरीके से चले जाओ तो जल्दी से हो जाएगा। कैसे उल्टे जाओ, है ना भाई, सभी लोग उल्टे तरीके से चले जाइए तो ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है, वरना वैसे करोगे तो फिर बहुत समय लगेगा, मतलब समय नहीं लगेगा, वो भी एक आसान मेथड होता है, बस क्या है आपको समझने की जरूरत होती है भाई। साइन, अब इनमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएं, फिर आईलेट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चले, ठीक है भाई, और आईलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट कौन सा है सेकेंड क्या है, ये आपको टाइम लगेगा, लेकिन यही चीज अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करके वो पहुंच सकते हैं। तो अब आप सोचो जरा ध्यान से, अब ये सोचिए आप जरा ध्यान से कि कैसे हम वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर हमारे पास ये साइन एक्स लाना है, तो अगर ये वाला कॉस एक्स का डिफरेंस, क्योंकि फर्स्ट इंटू सेकेंड अगर लगेगा यहां पर, तो कॉस एक्स का आएगा क्या, साइन एक्स आएगा, लेकिन माइनस का साइन एक्स आएगा, जबकि यहां माइनस नहीं है, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है, कौन सा, पहला और तीसरा ऑप्शन आपका कतई नहीं हो सकता है। तो पहला तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, तो होगा कौन सा, दूसरा ऑप्शन या फिर चौथा ऑप्शन। तो चलो भाई सेकंड ऑप्शन या तो फोर्थ ऑप्शन हो सकता है, तो चलो गाइस किसी एक को हम लोग डिफरेंशिएट करके वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि जिससे कि हमारा आंसर डिराइवल हो जाए भाई। तो चलो गाइस करते हैं, तो इस वाले को लेके चलते हैं डिफरेंशिएशन पे, तो डिफरेंशिएशन करते हैं बाय प्रोडक्ट रूल से, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, दैट मीन्स अगर लॉग टेन एक्स का करेंगे, ठीक है भाई, हम अगर इसको सेकेंड लॉग टेन एक्स को फर्स्ट मान लिया जाए और इसको सेकंड मान लें, तो log 10x हो जाएगा पहले, और cos x का करेंगे तो माइनस का sin x, तो दैट मींस ये हो गया sin x, log 10x हो गया भाई, इतना तो आ गया, और इसके बाद फिर माइनस लगा था बार, इसलिए माइनस ही रहेगा, तो अब होगा हमारे पास क्या, cos x हो गया, और 10x का बच्चे क्या होता है, log 10x का हो जाएगा 1 upon 10x, दैट मींस ये 10x हो जाएगा, और 10x का दोबारा करेंगे तो आ जाएगा आपके पास sec स्क्वायर x। क्लियर बात बच्चे, स्वीटी जी गुड मॉर्निंग भाई, राधे राधे। तो यहां तक की बात समझ में आ गई, ये हम अगर इसको इतने को लेके चल रहे हैं, इतना तो अपना आंसर दिख रहा कि इतना तो आ गया, लेकिन क्या इस पर लगाने पर आगे यही चीज अगर कट जाए, तो आगे log 10x by 2 का लगाएंगे तो क्या आएगा 1 upon 10x by 2, और ऊपर हो जाएगा बच्चे क्या sec स्क्वायर x बाई टू, और x बाई टू का दोबारा करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई टू, और आ जाएगा माइनस साइन के साथ प्लस के साथ। तो अगर ये हमारे पास कट जाए तो कुल मिलाकर हम मान लेंगे कि ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो एक बार चेक करना जितने भी लाइव लर्नर हमारे हैं, एक्टिव लाइव लर्नर हैं, क्या ये चीज कट रही है या फिर नहीं। तो देखोगे बच्चे, तो अगर हम लोग देखो तो इसे क्या कह सकते हैं, टेन एक्स को लिख सकते हैं बच्चे क्या, sec स्क्वायर x से ये तो एक खत्म हो जाएगा, 10x का मतलब बच्चे क्या होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, है ना बच्चे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स, दैट मीन्स ये सिर्फ बचेगा हमारे पास क्या कॉस एक्स। चलो यहां पर भी ऐसे करते हैं, 10x से स्क्वायर से यहां पर चलोगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बच्चे क्या साइन एक्स बाई टू,
और इधर से क्या हो गया कॉस एक्स बाई टू, और नीचे यहां पर आ गया कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, स्क्वायर से कट गया तो ये बन गया आपके पास क्या साइन टू एक्स, दैट मीन्स साइन टू एक्स ना ओके क्योंकि एक्स बाई टू लिखा हुआ है तो ऊपर जाकर ये बन गया क्या कॉसेक एक्स, तो ये दोनों कट गए तो हमारा इसके अंदर डिराइवर आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें सॉल्व भी नहीं करना था, ऑप्शन के थ्रू जाएंगे आपका आंसर निकल आएगा। चलो भाई प्रियांश सभी को क्लियर हुआ, स्वीटी जी राधे राधे सभी को क्लियर हो गया होगा गैस, आगे की ओर बढ़ते हैं गैस और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे ये रहा, ये थोड़ा सा यहां पर होना चाहिए कॉस स्क्वायर एक्स, दैट मीन्स ऐसे लिखा होना चाहिए था। तो चलो गैस इसे ट्राई करो, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिख रहा है, ए प्लस बी साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो बहुत ही इजी है इंटीग्रेशन पे, अगर आपको इंटीग्रेशन का बेसिक पता है तो एकदम आसान क्वेश्चन है। और देखिएगा गैस नहीं पता तो टेंशन भी मत लीजिएगा, हम है ना भाई, मैं हूं ना एक तरीके से भाई, ठीक है। ए प्लस बी साइन एक्स अपॉन क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, कैसे किया जाए भाई, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते हैं गैस क्या होगा। तो समय समाप्त, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, प्लस का b अपॉन थोड़ा सा भी ट्रिग्नोमेटिकल अलग अलग कर दे रहे हैं जिससे कि आपको दिखना शुरू हो जाए cos x और ये 1 बाई cos x। तो देखो बच्चे कुछ आपको दिखा यहां से, आप लोगों को यहां से एक पार्ट दिखा होगा कि 1 बाई cos स्क्वायर x, दैट मीन्स ये हो गया a तो बाहर लिखा दो तो ये हो गया sec स्क्वायर x dx, और प्लस बी यहां पर बाहर निकाल दीजिए तो साइन बाई कॉस दैट मीन्स टेन एक्स होता है हमारे पास, तो ये हो गया टेन एक्स सेक एक्स डीएक्स। तो देखो ये होता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास क्या टेन एक्स, तो दैट मीन्स आंसर क्या आ गया ए टेन एक्स और प्लस का बी और ये हो गया सेक एक्स प्लस सी। ऑप्शन देखो बच्चे कितने क्लोज लिखे हुए हैं, ऑप्शन तो इतने क्लोज लिखे हुए हैं और ये सारे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गैस, तो दैट्स ये इंपॉर्टेंट चीज थी। तो सही आंसर क्या आएगा ए टेन एक्स प्लस बी सेक एक्स प्लस सी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ टू बिल्कुल सही है, तो जिन जिनका टू आया है वो सभी लोग बधाई के पात्र हैं और निकालना सीख गए होंगे गैस। तो चलो गैस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन गैस ये रहा भाई। अगला क्वेश्चन ट्राई करें सभी लोग, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स क्यूब और एक्स क्यूब बाई एम लॉग एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई एन प्लस सी। अब इसका वैल्यू बताना है कि यहां से ये बताना होगा कि आपको m और n का मान क्या होगा, m और n का मान क्या होगा इसे आप सभी को बताना है। अब सोचो जरा कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम लोग यहां पर हम लोग यूवी रूल यानी प्रोडक्ट रूल लगा दें तब भी हमारे पास, और प्रोडक्ट रूल को लगा करके कंपेयर कराएं तब भी आपका आंसर निकल सकता है, लेकिन और स्पीड से करना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि क्योंकि कंपटीशन का एग्जाम है तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करके तुलनात्मक रूप से कर दो तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो फाइव फर्स्ट इंटू सेकेंड से तो हमारे पास क्या होगा एक्स क्यूब से हमारे पास थ्री एक्स स्क्वायर बाई एम हो जाएगा और ये लॉग एक्स हो जाएगा, फिर लॉग एक्स रहेगा और प्लस का हमारे पास कितना हो जाएगा लॉग एक्स रहेगा और इधर रहेगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई एम रहेगा, ठीक है भाई सॉरी एक्स क्यूब का नहीं सही लॉग एक्स का कर देंगे, तो एक मिनट गैस थोड़ा सा यहां पर ठीक है भाई, ये एक्स स्क्वायर बाय एम और प्लस एक्स क्यूब बाय एन का करेंगे तो क्या आएगा थ्री एक्स स्क्वायर बाय एन हो जाएगा और ये तो बाकी कांस्टेंट है उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो देखो बच्चे अगर इसके तुलनात्मक रूप से देखो तो यहां से देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा अभी आपको दिख जाएगा लॉग एक्स है यहां पर लॉग एक्स और एक्स स्क्वायर है और यहां पर ये भी है, सिर्फ ये इसके प्लेस पर क्या लिखा हुआ है थ्री बाय एम लिखा हुआ है और यहां पर इसके प्रोडक्ट में क्या कोएफिशिएंट कितना है वन है, That means 1 is equal to हो गया 3 by m, तो m का वैल्यू तो आ गया अपना 3, m का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है भाई m का वैल्यू तो आ गया अपना 3 आ गया।
अब आगे की बात करें तो n कैसे निकलेगा। अब n के लिए तो समस्या दिख रही होगी, n तो कहीं से तुलनात्मक रूप से कंपेयर हो ही नहीं पा रहा है। तो अगर देखो तो हम लोग इसको x स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से m n हो जाएगा और ये हो जाएगा n हो जाएगा और ये हो जाएगा 3m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3m हो जाएगा। जब x स्क्वायर यहां नहीं है तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि n प्लस 3m by mn is equal to 0, that means n plus 3m बराबर 0 के, तो m के प्लेस पर 3 रखिए तो n बराबर हमारे पास क्या जाएगा माइनस का 9, that means आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो जिन जिन का ऑप्शन नंबर बी आया है वो सभी लोग बधाई के पात्र हैं। जो लोग नहीं निकाल पा रहे हैं वो निकालना सीख रहे होंगे। देखो गैस आज आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर चल रहे हैं इंटीग्रेशन, जल्दी से आपको ये काम आएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग को इम्पॉर्टेंट सेशन है, तो सभी लोग इस सेशन को लाइक करें और शेयर करें अगर आपने अभी तक लाइक और शेयर ना किया हो तो। चलिए गैस बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसे आप आसानी से बना सकते हो भाई। e टू पावर x और फिर ब्रैकेट में लिखा रूट एक्स प्लस 1 बाई 2 रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। चलो गैस देखिएगा सभी लोग फटाफट क्विक फास्ट, e टू पावर x रूट एक्स और ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपके पास क्या 1 रूट एक्स प्लस 1 बाई 2 रूट एक्स। तो देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है, इसे कैसे करते हैं, इसे देखिए बहुत ही इजी कंसेप्ट बताने जा रहे हैं आपके पास, एक बहुत ही इजी कंसेप्ट है और ट्रिकी कंसेप्ट है, ट्रिक आपको बताएंगे इस क्वेश्चन की तो एकदम मजा आ जाएगा भाई। चलो गैस कोई नहीं, आज जिनका आंसर आए वेरी गुड और जिनको नहीं आएगा वो लोग देखो भाई। तो देखो एक ट्रिक्स बताने जा रहे हैं, अगर ध्यान देना e टू पावर x हो और यहां पर कोई फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव साथ में लिखा हो तो इस केस में हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, e टू पावर x fx ही इसका आंसर आ जाता है, डेरिवेट इंटीग्रेशन डायरेक्टली। वेरी गुड भाई अनिता जी, वेरी गुड अनिता, आपने एकदम लॉजिक पकड़ा। अगर ये फंक्शन इस प्रकार का है e टू पावर x और रूट एक्स प्लस 1 बाई 2 रूट एक्स, तो देखो ये फंक्शन है और इसका ये क्या है डेरिवेटिव दिख जाए तो इसका जो आंसर होता है डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं e टू पावर x और ये हो जाएगा रूट एक्स और ये प्लस का c। ये एकदम ट्रिकी याद रखना भाई। गुड इवनिंग भाई अनिता जी, गुड इवनिंग अनिता रावत। चलो बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो गैस अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी लोग भाई सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगला क्वेश्चन मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, ए टू पावर एक्स ई टू पावर एक्स डी एक्स क्या होगा। आज हम लोग बहुत इजी इजी इंटीग्रेशन सीख रहे हैं और इंटीग्रेशन आपको एकदम आसान कर देंगे दो दिन में, और फिर हम लोग इसी में प्रॉपर्टीज वाला इंटीग्रेशन, हर तरह का इंटीग्रेशन सीख लेंगे जो आपके एग्जाम पर आ सकता है भाई। a टू पावर x e टू पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो चलो बच्चे देखते भाई क्या आएगा इसका आंसर, टाइमर देते हैं भाई आप लोग को। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। a टू पावर x और e टू पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी तक अभी इसका आंसर नहीं आया, हो सकता 20 सेकंड कम पड़ते हैं लेकिन आप सभी समझ सकते हो भाई, एक अप्रोच ला सकते हो कि क्या हो रहा है भाई। अगर हम लोग a टू पावर x का इंटीग्रेशन करते तो हमारे पास क्या होता है, a टू पावर x डिवाइड बाय log a होता है भाई, ये आप सभी को पता है, ये आप सभी को पता है ना भाई। क्या बात है भाई, सभी को ये चीज पता है कि a टू पावर x का इंटीग्रेशन करें यानी कोई कांस्टेंट टर्म्स की पावर, कोई भी कांस्टेंट टर्म्स हो, a का मतलब क्या होता है कांस्टेंट टर्म्स है, उस कांस्टेंट की पावर अगर x है अगर उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो a टू पावर x log a हो जाता है भाई, ये होता है बाय log a। तो अब इस पर सोचो क्या ये लॉजिक यहां पर बन रहा है,
तो अगर ध्यान से देखिए तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए टू पावर एक्स बोल सकते हैं, ए इंटू ई, और उसका एक साथ अगर बोले तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए और ये ई और होल पावर एक्स लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अब देखो यहां से ए भी कांस्टेंट है, ई भी हमारा क्या आता है कांस्टेंट ही है, तो हम लोग इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए टू पावर, ठीक है भाई, ए टू पावर क्या हो जाएगा, ए टू पावर ई टू पावर एक्स डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, लॉग ए ई प्लस सी, आंसर आ गया। आया समझ में अनीता जी? बोलो बच्चे सभी को क्लियर हुआ? ये एक तरह से फॉर्मूला ही तो लिखा था, ए का मतलब वहां पर क्या होता, कोई भी कांस्टेंट टर्म्स हो तो ए और ई दोनों ही तो हमारा क्या है, कांस्टेंट्स हैं। दैट मींस ये क्या हो गया, ए टू पावर एक्स डिवाइड बाय क्या हो गया, लॉग ए ई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ बच्चे? थ्री बिल्कुल सही हुआ। बहुत से लोग इस पे चौथे पे जा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, ये तो बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इजी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन लिखा हुआ है किस चीज का, ई टू पावर एक्स इंटू ई टू पावर एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखो बच्चे क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्राई करो सभी लोग, देखते भाई इसका आंसर कौन सबसे तेज निकालता भाई। एट ई टू पावर एक्स और उसका लिखा हुआ है ई टू पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अभी भाई किसी का आंसर नहीं दिखा मुझे। चलो गए, सोचो कुछ, सोचा आप लोगों ने? देखो क्या कर सकते हैं, सोचना, अगर हम लोग ई टू पावर एक्स को टी एज्यूम कर लें, तो अगर हम लोग यहां से ई टू पावर एक्स अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई टू पावर एक्स डीएक्स डीटी आ जाएगा, तो कुल मिलाकर ये हो गया ई टू पावर टी डीटी, और ई टू पावर टी का होता क्या भाई, ई टू पावर टी ही होता है। दैट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का कॉन्स्टेंट भी रहेगा, दैट मीन्स ई टू पावर एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। कोई था क्वेश्चन में एकदम क्या, ये एक तरह से कैसा था भाई, इसे बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन, प्रतिस्थापन वाला है ना भाई, इसे बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। एनी डाउट्स बताओ बच्चे, किसी कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता दो भाई। चलो गैस अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, और अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या रहा, उसे ट्राई करिएगा। लिखा हुआ है एक्स टेन इनवर्स एक्स, ठीक है भाई, एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ए ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 टेन इनवर्स एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वैल्यू है। तो आपको यहां से बताना है ए का वैल्यू क्या होने वाला है, ठीक है, ए का मान क्या होने वाला है ये आपको बताना है। तो देखो क्या कर सकते हो, हमारा तो आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा, फर्स्ट थिंग तो आपको इंटीग्रेशन पे ही सोच रहा होगा, फर्स्ट दिमाग में क्लिक कर रहा होगा कि सर हम लोग इसमें क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें दोनों साइड, मतलब इस साइड का, और फिर कंपेयर करा देंगे, आपको ए बी का वैल्यू निकल आएगा, है ना। दूसरा तरीका एक और यूज कर सकते हैं जिससे हमें समय कम लगे, वो ये कि इधर हम लोग क्या करें, यानी इंटीग्रेशन क्या होता है, यानी डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन करने पर जो आंसर आता है वो एक तरह से क्या होता है, इंटीग्रेशन, यानी डिफरेंशिएशन का इनवर्स होता है एक तरह से क्या, इंटीग्रेशन। तो दैट मींस अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो ये पूरे का तो इसके बराबर आ जाएगा, किसका, यानी अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास, मुझे ये आसान लगता है उल्टा करना, एक्स टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन से हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता है, आसान होता है। तो अगर हमारा देखो जरा ध्यान से, ए तो हमारा कांस्टेंट हो गया, अब इसमें लगा दें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दें, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा टेन इनवर्स हो गया, तो टेन इनवर्स एक्स, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। फिर आगे बढ़े बच्चे, नेक्स्ट और आगे की ओर बढ़ा जाए तो अगला क्या लिखा हुआ, आगे क्या होगा,
फिर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स का, आपको पता है कि वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये दोनों कट जाएंगे, प्लस का बी हो जाएगा, आगे करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आप आगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा टू एक्स ए टेन, ठीक भाई, टू एक्स सॉरी यहां पर कर दीजिए, थोड़ा सा एक्स को थोड़ा सा अब एडजस्ट कर रहे हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा बच्चे, अंदर गुणा कर दे रहे हैं, भी डिफरेंशिएशन कर चुके थे हम लोग, ए ए और ये हो गया 2x और ये 10 इनवर्स x, ठीक है भाई, और ये हो गया आपके पास a और ये हो गया b। तो अब देखो कंपेयर करा लो जरा, देखो x 10 इनवर्स x की जगह पर यहां पर देखो पूरा क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो 2a बराबर क्या हुआ 1 हुआ, तो a बराबर क्या जाएगा 1 बाई 2, b बराबर आपका 0, ठीक भाई, सॉरी a प्लस एक मिनट, a प्लस बी बराबर बच्चे क्या है जीरो है, तो b बराबर आ जाएगा माइनस का वन बाई टू, ए बराबर वन बाई टू, बी बराबर हो जाएगा माइनस का वन बाई टू। तो ऑप्शन कौन सा सही है बच्चे, ऑप्शन हमारा टू बिल्कुल सही है। समझ में आया सभी को, वेरी गुड भाई अनीता जी, सभी को क्लियर हो गया। अब अगर हम लोग इस पर डिफ्रेंसिएशन ना करके इंटीग्रेशन अगर कर रहे होते तो हमें समय ज्यादा लगता, वाई फर्स्ट इन टू सेकेंड लगाते हैं उसमें भी हो जाता लेकिन समय ज्यादा लग जाता भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन फिर से देखो, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, वो लिखा क्या है उसे देखिए भाई, एक्स ई टू पावर एक्स, एक्स ई टू पावर एक्स, ठीक है भाई, एक्स ई टू पावर एक्स और आगे लिखा हुआ है बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, ट्राई करो भाई सभी लोग, एक्स ई टू पावर एक्स डी एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करो और देखे भाई सबसे तेज आंसर किसका निकलता है। गैस उम्मीद करेंगे कि सभी का आंसर आएगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको आंसर ना आए भाई, तो ट्राई करो सभी लोग क्विक फास्ट। ठीक है ट्राई करो भाई सभी लोग, देखिए भाई इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड आया उसका थर्ड, क्या हो जाएगा थर्ड आ जाएगा भाई थर्ड, ठीक है भाई। तो चलो भाई देखते हैं भाई क्या होगा, अभी कुछ लोग का आंसर आ रहा है थर्ड ऑप्शन, कैसे आया जरा उसको भी देखा जाए भाई। चलो भाई देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं इसको कैसे किया जाए, अंजो इनका आ रहा भाई कौन सा थर्ड ऑप्शंस आ रहा है, चलो बच्चे देखते हैं सही है क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाएगा कि थर्ड ऑप्शंस होगा या कोई और होगा। चलो बच्चे देखो भाई विनीत अनिता जी सही है भाई, क्या हल किया जाए कि जिससे जल्दी से आंसर निकल आए। तो बच्चे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर e टू पावर थोड़ा समझदारी से करते हैं, e टू पावर x लिख दिया और इसको अगर लिखना चाहें तो x बचा, तो अगर इसमें प्लस वन कर दें और माइनस वन कर दें डिवाइड बाय x प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो अगर अलग अलग कर दिया जाए तो हम लोग ये बोल सकते हैं डिफ्रेंसिएशन इन, ये लिखा हुआ है, तो अगर इसको करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अलग अलग कर दिया जाए तो हमारे पास e टू पावर x रहेगा और यहां वाले इसका होगा x प्लस वन का होल स्क्वायर से x प्लस वन कट जाएगा, तो बचेगा क्या x प्लस वन और माइनस का वन अपॉन x प्लस क्या हो जाएगा वन का होल स्क्वायर dx।
तो देखो फिर से वही चीज, अभी हम लोगों ने एक बात किया था, याद करिए, e टू पावर x फंक्शन ऑफ x प्लस उसका क्या फंक्शन ऑफ उसका डेरिवेटिव आ जाए तो उसका वैल्यू होता है e टू पावर x और फंक्शन ऑफ x, दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा e टू पावर x और 1 बाई क्या हो जाएगा x प्लस 1, आंसर आ गया। दैट्स यही तरीका था इस क्वेश्चन को करने का, बेस्ट अप्रोच है मेरे हिसाब से कि आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को क्लियर कर सकते थे, इजी से कर सकते थे। भाई क्या बात है भाई, सभी को क्लियर हो गया, क्यों बना कैसे बना सब कुछ आपको जानकारी में होना चाहिए भाई, समझ में आया अनीता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन देखो बच्चे ये रहा भाई, इसे ट्राई किया जाए, इसे कैसे किया जाए, इसको कैसे करेंगे देखते हैं गैस। वेरी गुड भाई अनीता, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस लिखा हुआ dx अपॉन x टू पावर 7 प्लस 1, हाँ ये भी कर सकते हैं भाई, ऑप्शन डेरिवेटिव भी कर सकते हो, बिल्कुल सही है, उसे भी लगा सकते हो। और देखो अगर डेरिवेटिव से सोचते तो हमारे पास देखो क्या है ना कि सिर्फ देखो यहां से x प्लस 1 का होल स्क्वायर लाना है और x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो यहां ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता था, है ना बच्चे, बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही सोचा है। तो इसे भी आप अप्लाई कर सकते थे कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर तो ऑप्शन में हो नहीं सकता है और यहां पर अगर लगाएंगे तो फर्स्ट इंटू सेकेंड आएगा तो ये भी दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 ही बचा, है ना भाई। तो बिना सॉल्व किए ही मतलब कॉमन सेंस का प्रयोग करके भी आपने बिल्कुल सही आंसर दे दिया था बच्चे। चलो गैस इसे ट्राई करते हैं और उम्मीद करेंगे कि आप लोग इसको जरूर करो और जल्दी से आंसर्स निकालो भाई। तो इस पे भी क्या हम लोग इसे भी डेरिवेटिव के फॉर्म पर सोच सकते हैं, डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते हैं, इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं और चाहे तो RHS वाली अप्रोच को भी लगा करके आंसर्स निकाल सकते हैं, ठीक है गैस, RHS वाली अप्रोच को भी लगा करके आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चे किससे आंसर्स निकलना आसान हो जाएगा, ठीक है गैस। चलो भाई तो ऑप्शंस को अगर खेला जाए, इस ऑप्शन से खेला जाए और आंसर ये पहुंच जाए किसी भी ऑप्शन से, वही अपना आंसर हो जाएगा। चलो देखें आप लोग क्या कर रहे हो और आंसर कौन सा निकाल रहे हो भाई, काफी हद तक आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से आसान हो जाता है भाई। चलो गैस वेरी गुड, जिनका आंसर आ रहा हो चलो गैस करके देखते भाई, ये हो जाएगा 1/7 हो जाएगा, है ना, ये तो कांस्टेंट रहा, लॉग का होता है दैट मींस ये नीचे आ जाएगा x टू पावर 7 प्लस 1, ठीक है बच्चे x टू पावर 7 प्लस 1 हो जाएगा और इसका ऊपर हो जाएगा x टू पावर 7, ठीक है। और इसका दोबारा किया जाएगा, दोबारा डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा x टू पावर 7 का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे इस पूरे का तो हमारे पास लगाना पड़ेगा भाई फर्स्ट बाई सेकंड लगाना पड़ेगा, या तो गुड मॉर्निंग भाई शिवांगी राजपूत जी, वेरी गुड इवनिंग, तो गुड मॉर्निंग भाई, काफी दिनों बाद आप लोग आए भाई, आज रेगुलर रहा करो भाई, है ना भाई। तो ये x टू पावर 7 अपॉन x पावर 7 प्लस 1 हो गया और आगे की ओर अगर हम इसमें लगाते हैं डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि टी एज्यूम करके किया होगा तो करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग तो हमारे पास क्या आएगा, नीचे करेंगे तो x पावर 7 का अंदर गुणा कर लिया जाए तो x ये हो जाएगा 1, यानी ये हो गया होगा बच्चे, इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन करते हैं भाई, तो ये 1 हो जाएगा और 1 से हमारे पास 0 हो जाएगा, फिर ये x पावर 7 बचा तो दैट मीन्स माइनस का 7 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/x^6, ठीक समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चे सभी लोग को जो हम करना जा रहे हैं, तो ठीक है तो इसे कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बच रहा है बच्चे, कहाँ गया भाई, आगे निकल गया, तो यहां पर आगे करेंगे तो आपके पास इधर से अलग अलग कर दिया हमने 7 का इधर कर दिया है तो सिर्फ यहां से क्या रहा है ऊपर 7 आ जा रहा है, यहां पर क्या रहा है आपके पास 7x टू पावर, यहां पर आ जा रहा है 7x टू पावर 6,
नहीं आया। चलो बच्चे देखो भाई, यहां से देखो बच्चे, हमने क्या कहा, हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं लगा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि इधर से चल लिया जाए, ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल चला जाए। तो इसका डिफरेंशिएशन करें तो 1/7 तो आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और इसका अगर करते हैं लॉग एक्स का तो होता है 1/x, दैट मींस क्या हो जाएगा, ये x टू पावर 7 और नीचे हो जाएगा x टू पावर 7+1। ये तो यहां पर आ गया, क्योंकि इसके अलावा अगर किसी का करते हैं तो इसका क्या होगा, इस वाले में से किसी से भी हमारे पास नीचे जो होगा x टू पावर 7+1 नहीं आने वाला, इस वजह से ऐसा किया। अब अगर हम लोग इसी को, जिसको मतलब ये तो फिर चैन रूल के अकॉर्डिंग करेंगे तो इसका क्या होगा, ये x टू पावर 7/7 यानी 1 हो जाएगा, दैट मींस 0 हो गया, प्लस 1/x टू पावर 7, दैट मींस क्या होगा, x टू पावर माइनस का 7, तो इधर आएगा। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का 7 और ये x टू पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 6, ठीक है, x टू पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 6। तो जब इसे सॉल्व किया तो हमारे पास क्या गया, 1/7 और यहां से 7 से 7 जाएगा कट, 7 से 7 जाएगा कट हमारा। तो अब आपके पास क्या बचेगा, यहां से ये बचा हमारे पास x टू पावर 7 डिवाइड बाय x टू पावर 7+1 और ये क्या है, x टू पावर 6, ये कटेगा तो सिर्फ ये आ रहा है भाई, क्या आ रहा हमारे पास, x आ गया, यानी आंसर क्या आया, और ये 7 से 7 कट ही चुका है तो हमारा क्या आया, x अपॉन x टू पावर 7 7+1 और ऊपर x आ जा रहा है भाई, ये ऊपर x आ रहा है, दैट मींस ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्या भाई, देखो गाइस यही आंसर आ रहा है, कुछ और आएगा भाई, देखो कहीं पर कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सही होना चाहिए भाई। मुझे लग रहा है कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है, अरे गड़बड़ करिए, देखो ध्यान से, आप लोगों ने देखा नहीं, आप लोग ध्यान नहीं दिए भाई, यहां पर माइनस 1 होता है, दैट मींस ये क्या हो जाएगा, माइनस का 8 आएगा, तो माइनस 8 की वजह से यहां पर 8 होगा, तो ये एक्स पावर 7 से कटेगा, सिर्फ बचेगा क्या, x बचेगा, दैट मींस आंसर क्या आ गया, यही तो आ रहा भाई, ठीक है गैस, समझ में आया। अनीता जी, शिवानी जी, क्लियर हुआ, शिवानी राजपूत, अनीता जी, सभी को क्लियर हो गया, यानी आंसर कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है भाई, हमने ध्यान नहीं दिया, जल्दी से बोलो क्लियर हुआ सभी को, तो आई होप एवरीबॉडी गैस डन हो गया होगा, अगर डाउट हो तो बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसे आप लोग घर से ट्राई करेगा और इसे ट्राई करें और कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिएगा होमवर्क के फॉर्म पर, और कल इसके आगे का हम लोग डिस्कस करेंगे। दो क्वेश्चन आप सभी के लिए छोड़ के जा रहे हैं, इन दोनों क्वेश्चन को करिएगा और कल की जो क्लास होगी इसी के आगे का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे गैस, क्योंकि इंटीग्रेशन आपके लिए, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बचपन के तरीके से नहीं कि पूरा सिखाते हुए, हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच से सिखा रहे हैं आपको, जो कंपटीशन के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है गैस, ठीक है गैस। तो आज के लिए बस इतने रखते हैं, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा और शेयर करिएगा, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ ही साथ अगर आपने मुझे, अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की तैयारी